एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल में सारे प्रैक्टिस सेट को। अभी हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट वन से टोटल चार पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट टू के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका झारखंड का सामान्य ज्ञान। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं झारखंड के सामान्य ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है, बताना है आपको कि किस जिले में स्थित है। तो जी हाँ, आपका तारा पहाड़ जो है ना, ये बेसिकली आपका जो है वो आपका साहेबगंज जिले में स्थित है। अगर इसी रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं तो कहा जाता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में ना एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी। ठीक है, इन्होंने टोटल 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी इस पहाड़ पर से, तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉन टीम ने कौन सा पदक जीता। तो जी हाँ, उस समय पदक जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीती थी। तो जी हाँ, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो महिला थी वो थी आपकी गोल्डी मिश्रा। कौन थी, गोल्डी मिश्रा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो उस समय की बात है जब आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा था ना, उस समय झारखंड में टोटल 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और वहीं 5 कांस्य पदक जो है इसके साथ सहित टोटल 13 पदक के साथ 18वें स्थान पर हमारा झारखंड जो है उस टाइम आया था, तो ये आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। देखिए आपके पास यहाँ पे सारा आंसर जो है वो आपका मीटर में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग मीटर में बात करते हैं ना, तो पारसनाथ की ऊंचाई जो है ना, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई जो है ना, वो आपका मीटर में 1365 मीटर है। वहीं अगर हम लोग फीट की बात करते हैं ना, तो फीट में टोटल 4431 फीट है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 4431 दिया हुआ है, लेकिन ये किस में है, मीटर में है, ना कि फीट में है। अगर आपके पास आंसर में फीट दिया रहे तो आपका हो जाएगा 4431 फीट। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो ये आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। अगर पारसनाथ पहाड़ी की कुछ और रोचक तथ्य को जानना चाहते हैं, तो आपको एक चीज बहुत जरूरी है इसको याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी को ना जैनियों का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे, और जो आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ना, उनका नाम आपका पार्श्वनाथ था, और इन्हीं के नाम पे इस पहाड़ का नाम जो है ना वो आपका पार्श्वनाथ या बोल सकते हो पारसनाथ पड़ा। कहा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना उसका नाम आपका समेद शिखर है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपका इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है। तो देखिए झारखंड के प्रमुख कोयला का निक्षेपों का निर्माण जो है ना वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है ना इसकी अधिकता जो है ना वो आपका दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ना वो पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य कथन की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका असत्य है। तो अगर हम लोग ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं, तो झारखंड की सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट आपके पास है कि राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो है वो आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वही थर्ड ऑप्शन है कि झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौट जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वही ऑप्शन हम लोग डी देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि झारखंड का जलवायु जो है वो आपका भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है। जी नहीं, हम लोग का झारखंड की जलवायु जो है ना वो आपकी मानसूनी जलवायु कहलाती है। कैसी जलवायु कहलाती है, मानसूनी जलवायु कहलाती है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की
जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की भी है, ये चीज आपको याद रखना है। और आपका झारखंड के साथ जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऊंचो हो गया है, लेकिन ऊंची यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो देखिए, झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को टांड बोला जाता है, ठीक है। वहीं सबसे निम्न भूमि या फिर बोल सकते हो सबसे निचली भूमि को दोन बोला जाता है, ठीक है। ऊपरी को टांड और निचली को दोन, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देश के पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, ये आपका स्थित है बोकारो जिले में। कहाँ स्थित है? बोकारो जिले में। अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना है तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र जो है वो उसकी स्थापना जो है आपका 1964 में हुई थी रूस के सहयोग से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी के महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, माफ कीजिएगा ना। तो ये आपका बेसिकली बगरू पहाड़ी में ना बेसिकली बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। अगर हम लोग बगरू पहाड़ी की बात करें तो बगरू पहाड़ी जो है ना ये आपका लोहरदगा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बगरू पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका लोहरदगा जिले में है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह आपका बॉक्साइट के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, आपका चाइना क्ले जो है ना वो आपका पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और रांची जिले में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो जी हाँ, झारखंड में आपका पलामू का अभयारण्य जो है ना वो सबसे अधिक है। पलामू के किस जगह का? तो पलामू के लातेहार जिले में स्थित अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। अभयारण्य की स्थापना जो है वो आपका 1976 में हुई थी, याद रखिएगा ना। जो आपका लातेहार जिले में अभयारण्य स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 को हुई थी, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कांकजोल, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है, में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था। तो जी हाँ, उस समय की बात है। ये आपके हर्षवर्धन जो थे ना वो आपके हेन सांग से उस टाइम मुलाकात किए थे। किससे मिले थे? हेन सांग से मुलाकात किए थे। और ये आपका कांकजोल जो है ना, जिसे अभी राजमहल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि ये आपका हर्षवर्धन के काल में छोटा प्रांत हुआ करता था, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये कभी छोटा सा प्रांत भी हुआ करता था। कौन? आपका राजमहल, जिसे कांकजोल बोला जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भागे थे। तो जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जो थे ना वो जेल से भागे थे आपके 9 नवंबर 1942 को, याद रखिएगा। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को भागे थे ना। इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, याद रखिएगा। इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। ये अकेले नहीं भागे थे, इनके साथ साथ 5 इनके साथी भी थे जो उस टाइम जेल से भागे थे। चलिए, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन था। यहाँ पे को लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ना कि कमिश्नर कौन थे ना। तो देखिए, आपका उस टाइम के कमिश्नर जो थे ना वो आपके थे डाल्टन, याद रखिएगा। कौन थे? डाल्टन थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है। किस मुकदमा के? तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? चलिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। तो जी हाँ, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार जो है ना वो आपके हैं सखाराम गणेश देवस्कर, याद रखिएगा। कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर है। अगर इसमें भाषा की बात की जाए ना तो ये आपका बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की एक पुस्तक है। क्या है ये? बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की एक पुस्तक है, याद रखिएगा। और ये गणेश देवस्कर जो है ना वो आपके देवघर के रहने वाले हैं, ये भी इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो देखिए, आपका कैथा शिव मंदिर जो है ना ये आपका रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। देखिए, अगर इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जानते हैं ना तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथानाथ शिव मंदिर जो है वो आपका रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किला नुमा भव्य इमारत जो है वो आपका बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्र कला पर आधारित है, याद रखिए। किसकी? किसकी? बंगाल, राजपूत और मुगल की तीनों
मुगल तीनों की मिश्र कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो आपका रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो रामगढ़ के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की देवडी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है। दैट मीन्स ये सारा मंदिर जो है ना वो एक ही जिले में स्थित है। तो जी हाँ, ये मंदिर जो है ना वो आपका रांची जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट होगा कि टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। जी नहीं, उन्हें फांसी तो यहाँ पे दी गई थी, लेकिन वो समय था आपका 8 जनवरी 1858 का। कब का था? 8 जनवरी 1858 का था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं इनकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 6 जनवरी 1858 को की गई थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या कि उनको फांसी दी गई थी, इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 6 जनवरी को हुई थी ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था, बताइए। तो किसको बंद किया गया था? तो जी हाँ, अलीपुर जेल में जिसको बंद किया गया था वो व्यक्ति थे आपके नीलमणि सिंह। कौन थे? नीलमणि सिंह थे। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तो देखिए, साहेबगंज को जब अशांत घोषित किया गया था वो समय था आपका 1922 को। 1922 में साहेबगंज को जो है ना वो आपका अशांत घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना वो आपका 1922 में साहेबगंज को अशांत घोषित किया गया था, इसे याद रखिएगा। तो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस 2 का पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य ऑप्शन की बात की ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका असत्य है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश जो है वो आपका 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। जी नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपका झारखंड में नमक सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश जो है वो आपका 13 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1930 को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, भाषा के संबंध में आपका इसमें जो कथन है ना वो आपका है ऑप्शन नंबर डी कि झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है आपका कुडुख है। जी नहीं, कुडुख नहीं है, आपका हिंदी के बाद झारखंड में बोली जाने वाली सबसे प्रचलित भाषा जो है वो है आपका संथाली। संथाली भाषा जो है ना वो आपका मुंडा भाषा उपवर्ग की भाषा है, इसे याद रखिएगा। और बेसिकली संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसे याद रखिएगा। कब शामिल किया गया है? 2003 को किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है आपको संथाली भाषा को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका कांच के तूफान जो है, इसके रचनाकार आपके विजय दत्त शर्मा नहीं है। शर्मा तो है बेसिकली, लेकिन विजय दत्त शर्मा नहीं, बल्कि आपके कांच के तूफान और एक आपका एक और यहाँ पे है रचना जो है आपका पंचदश तंत्र। पंचदश तंत्र और कांच के तूफान, इन दोनों के रचनाकार जो है वो आपके शिवचंद्र शर्मा है, याद रखिएगा। कौन है? शिवचंद्र शर्मा है, ना कि विजय दत्त शर्मा, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जयपाल सिंह, सिल्वानुस डुंगडुंग, सुमराय टेडे, अंशुता लकड़ा, साथ ही साथ आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कांति बा होगा ना, कांति बा, और आपका मासिरा सुरीन और माइकल किंडो का संबंध जो है, इन सभी का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। तो जी हाँ, इन सभी का संबंध जो है ना वो आपका हॉकी खेल से, याद देखिए किस खेल से है? हॉकी खेल से है। चलिए इसे रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जयपाल सिंह की। जयपाल सिंह की कप्तानी के समय जो है वो आपका भारत ने 1928 में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, याद रखिए। कब? 1928 को ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। वहीं आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सिल्वानुस डुंगडुंग का। तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है वो आपके 1980 के मास्को ओलंपिक की स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे।
और अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना तो ये आपके 2016 में इन्हें ध्यानचंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो वो आपके थे सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 में ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो जी हाँ, दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार का संबंध जो है ना वो आपका बेसिकली शतरंज से है। किस खेल से है? शतरंज से है। अगर यहाँ पे हम लोग एक नाम देखते हैं दीप सेन गुप्ता, तो दीप सेन गुप्ता जो है ना वो आपके फाइट द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी थे, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, इसमें बहुत सारे जनजाति को सरल कारीगर के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा महली। महली को बेसिकली सरल कारीगर के अंदर शामिल किया गया है। महली के साथ साथ अगर हम लोग इसमें और जनजाति की बात करें ना, तो वो है आपका लोहरा जनजाति, करमाली तथा चीख बड़ाईकर जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, दिवाकर प्रसाद हो गए, लक्ष्मी पाड़िया हो गया और आपका मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों जो है ना वो आपके झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तीनों ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? मतलब आपको ऐसा त्यौहार बताना है जो आपका वसंत और ग्रीष्म काल में मनाया जाता है, साथ ही साथ बुद्धा बाबा के पूजा के लिए भी इसे जाना जाता है। तो जी हाँ, वो है आपका भक्ता पर्व, जिसे भगत पर्व भी कहा जाता है। भक्ता या फिर भगत पर्व जो है ना वो आपका बसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच में आता है। कहा जाता है कि जनजातीय लोगों में भगत पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग इसमें झारखंड की बात करें, तो झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में? तमाड़ क्षेत्र में। तो तमाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय कौन सा पर्व है? तो वह है आपका भक्ता पर्व, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के इन लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है, मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा लोक नृत्य है जिसे जिसका नाम जो है वो वृक्ष पर पड़ा है? तो जी हाँ, वो है आपका कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ना वो आपका एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। कहा जाता है कि कर्मा नृत्य जो है ना वो आपका कर्म देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में बेसिकली स्त्री और पुरुष सभी लोग जो है वो भाग लेते हैं और मान्यता है कि वर्षा ऋतु को छोड़कर यह सभी ऋतुओं में किया जाने वाला एक नृत्य है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को डैश कहते हैं? तो जी हाँ, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा बोलते हैं। एक पॉइंट देखिए तो इसे याद रखिएगा कि उरांवों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है ना उसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। किसके पारंपरिक स्वशासन को? तो वो है आपका उरांव की स्वशासन को ना किसके नाम से जाना जाता है? तो पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाले आभूषण कौन से हैं? तो जी हाँ, ये आभूषण आपके हैं खंबिया आभूषण। खंबिया आभूषण को इन लोग गले में धारण करते हैं ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो देखिए, झारखंड में करम पूजा जो है ना वो आपका भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है। और कहा जाता है कि ये बेसिकली हिंदुओं के रक्षाबंधन से मिलता जुलता जो है पर्व है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना निर्दलीय के, तो झारखंड में आपका एकमात्र स्वतंत्र निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है वो आपके मधु कोड़ा हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? मधु कोड़ा हैं। वहीं अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है ना वो आपका 18 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 तक का रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सचिवालय का अर्थ होता है, सचिवालय का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, सचिवालय का अर्थ जो है वो आपका मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्य होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था
कराने हेतु जो योजना प्रारंभ की गई उस योजना का नाम है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो जी हाँ, उस पोर्टल का नाम है हुनर पोर्टल ना, उसे क्या बोला गया? हुनर पोर्टल के नाम से जाना गया जो आपका राज्य में युवाओं के लिए चलाया जा रहे हैं कौशल विकास योजना के लिए पोर्टल है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए, या फिर इसमें से सत्य कथन कौन है उसे चुने। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन जो है वो आपका, इस योजना का आरंभ जो है वो आपका 18 नवंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन जो है वो किया गया, और थर्ड में है कि इस योजना के तहत कुल 30 गाँवों का चयन किया गया जिसमें सिंधु कांधू, नीलांबर पताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को भी शामिल किया गया। दैट मीन्स सदर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? तो जी हाँ, वो आपका योजना है सर्वशक्ति परियोजना। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन है जिसे आप याद रखिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं संथाल के ना, तो संथाल का आपका सर्वोच्च देवता जो है ना उसे सिंगबोंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा कहते हैं। और बेसिकली इसमें एक और देवता आते हैं जो है आपके मरांगबुरु। मरांगबुरु जो है ना वो इनके दूसरे सर्व प्रमुख देवता हैं, और बेसिकली इनका ग्राम देवता जो है वो आपका जाहिर एरा है, और गृह देवता जो है वो आपके ओड़क बोंगा है। तो इसे याद रखिएगा, आपका सर्वोच्च देवता और सर्वप्रथम दूसरा देवता और ग्राम देवता और साथ ही साथ गृह देवता कौन कौन से हैं। कहा जाता है क्योंकि कुल देवता जो है ना वो आपके आपगे बोंगा है। कुल देवता कौन है? आपगे बोंगा है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, सर्वोच्च देवता कौन है, दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, गृह देवता कौन है और कुल देवता कौन है, चारों को इसमें याद रखिएगा। और साथ ही साथ संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होते हैं, इसे याद रखिएगा। और इस समाज की सबसे कठोर सजा को ना बिटलाह के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर सजा ये होता है बिटलाह। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो जी हाँ, इसमें आपका रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, इसे याद रखिए। किसे? रोहतासगढ़ को ना। चलिए अगर हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को जानते हैं तो आपको ये चीज़ जानना इसमें बहुत ज़रूरी है कि खड़िया जनजाति जो है इनकी 3 शाखाएं हैं। पहला है आपका पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और तीसरा है आपका ढेलकी खड़िया। इसे याद रखिएगा कि ये 3 पार्ट में विभक्त है। साथ ही साथ रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान जो है वो माना जाता है, और झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण जो है वो आपका खड़िया जनजाति का हुआ है, और इसके जितने भी गांव संघ है ना वो आपके कोयल नदी के तट पर बसे हैं। ये सारे पार्ट को इसमें याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अफगानिस्तान SAARC में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान का SAARC में शामिल होने का ना, तो वो वर्ष था आपका 2007 का। अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जानते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना का कि आपका SAARC की स्थापना कब हुई थी, तो वो डेट था आपका 8 दिसंबर 1985 का, ढाका में की गई थी इसकी स्थापना। वहीं अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है ना वो आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है, और ये आपका अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान जो है वो आपका SAARC के 8वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है? इसमें आपके पास पुरस्कार दिए हुए हैं और उसके क्षेत्र दिए हुए हैं कि इन लोगों को पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है उन्हें किस क्षेत्र में मिला है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है जो गलत है? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है। आपका बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं मिला था। तो किस क्षेत्र में मिला था भाई? तो ये आपका बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है वो आपका 1973 में कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स ली द्वारा कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं
लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित, माफ कीजिएगा यहाँ पे पुरस्कार हो गया है, पुस्तक की जगह पे यहाँ पे पुस्तक होना चाहिए, यहाँ पे लेखक होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट पुस्तक की बात करते हैं तो आपका अम्बेडकर अलाइव जो है वो आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। वही बिरसा मुंडा जयंती नायक जो है वो आपका प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। और आपका मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इम्पोर्टेबिलिटी जो है वो आपका जगदीप धनकर के द्वारा लिखा गया है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है वो आपका सुमेलित है, सही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि समताप मंडल में हवा का तापमान सामान्यतः होता है, कैसा होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं समताप मंडल का ना, तो समताप मंडल के बारे में आपको ये दो तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे समताप मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो बढ़ता है, और वहीं समताप मंडल के शीर्ष का तापमान जो है वो आपका अगर डिग्री सेल्सियस में बोला जाए तो ये आपका -3 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फॉरेन केल्विन में आपका 270 केल्विन होता है, फॉरेन हाइट में 26.6 फॉरेन हाइट होता है। तो इसे याद रखिएगा, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है ना इसके इसका तापमान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मिस इंडिया 2013 की विजेता कौन बनी। तो देखिए, मिस इंडिया 2013 की विजेता जो है ना वो आपका नंदिनी गुप्ता बनी। ये नंदिनी गुप्ता जो है वो आपके राजस्थान की रहने वाली हैं, और ये आपका फेमस मिस इंडिया 2023 का खिताब जो आपका नंदिनी गुप्ता को मिला, ये आपका मणिपुर इंदौर स्टेडियम इम्फाल में आयोजित किया गया था, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपके पास देश और उसकी कुछ राजधानियां दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है, वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और श्रीलंका की राजधानी जो है वो आपका जयवर्धन नेपुरा कोट्टे है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है वो आपके सुमेलित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है। तो जी हाँ, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है ना वह है आपके रानिल विक्रम सिंधे। वहीं अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वह है आपके दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री है, अभी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति जो है वह आपके रानिल विक्रम सिंधे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ है कि भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपका हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। यह एक शास्त्रीय भाषा है, क्या आप इसमें सहयोग करते हैं, क्या एक शास्त्रीय भाषा है। तो जी नहीं, हमारा हिंदी जो है वो आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी आपका सही आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत की पहली और दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। चलिए, आप अगर इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर हिंदी जो है वो आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है तो भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो अगर हम लोग भारत की शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो वो आपका 6 है। पहला है तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, चौथा संस्कृत, पाँचवा कन्नड़ और छठा उड़िया। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा कि इसमें टोटल 6 जो है वो आपके भाषा जो है वो आपके शास्त्रीय भाषा को की दर्जा जो है वो प्राप्त हुई है इंडिया में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुमेलित करें, इसमें से आपको सुमेलित करना है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपका देश दिया हुआ है, ये और यहाँ पे मुद्रा दिया हुआ है, डॉलर आपको देखते ही समझ में आएगा ये क्या है, ये मुद्रा दिया हुआ है ना। तो मंगोलिया एक देश का नाम है, मंगोलिया का आपका मुद्रा जो है वो आपका तुगरिक है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग चीन की देखें तो चीन का युआन हम लोग को पता है। वहीं अगर हम लोग इसमें ताइवान का देखें तो ताइवान का आपका डॉलर होता है, और वहीं कंबोडिया का जो है आपका रियल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प से चुन करके उसमें भरना है। ठीक है, चयन करना है। तो देखिए, आपका यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थान और उसकी स्थिति दिया हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी जो है ना वो आपका हरियाणा में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। वहीं कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है, और दायमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। वहीं अगर हम लोग मांडा की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? सही है नहीं, सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो बलबन के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, उसने इतकादारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। जी नहीं, उसने इतकादारी व्यवस्था प्रारंभ नहीं की थी ना। इतकादारी व्यवस्था की प्रारंभ करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपके इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि आपका इतकादारी का व्यवस्था करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपके इल्तुतमिश थे। वहीं आप बलबन के बारे में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। जैसे बलबन का वास्तविक नाम जो है ना वो आपका बहाउद्दीन है। क्या है? बहाउद्दीन है। और बेसिकली बलबन जो है वो अपने राजस्व संबंधित विचारों के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका गलत दिया हुआ है। लॉर्ड कैनिंग, ये आपका गलत है। इसकी नीति उच्च निष्क्रियता नहीं है, ठीक है। उच्च निष्क्रियता की नीति किसका है? तो ये आपका है जॉन लॉरेंज की। जॉन लॉरेंज का संबंध जो है वो आपका उच्चतम निष्क्रियता, जिसे हम लोग चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कहते हैं, उसकी नीति से संबंधित है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जनगणमन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसमें मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बताई हूँ ना उसे आप कॉपी पेन लेके या तो राइट डाउन कर लीजिए या तो फिर से अच्छे से समझ लीजिए। तो बेसिकली अगर हम लोग जनगण मन की बात करते हैं तो जनगण मन का सर्वप्रथम जो है वो आपका 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में इसको गाया गया। कहाँ पे गाया गया? तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वहीं अगर इसकी लेखक की बात करते हैं कि जनगण मन जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो जनगण मन जो है ना वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित था, इसे याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा हुआ था? बंगला में लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, इसे याद रखिएगा। इसका ओरिजिनल संस्करण जो है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगला में लिखा गया था, लेकिन हम लोगों के द्वारा इसे हिंदी संस्करण में लिखा गया और भारतीय संविधान में इसे शामिल भी किया गया। कब किया गया? तो वो समय था आपका 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है आपका कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो देखिए ऑपरेशन पोलो जो है ना वो आपका हैदराबाद रियासत के सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए आपका 1919 की बात करते हैं तो 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका का गठन जो है वो किया गया। दैट मीन्स 1919 भारत सरकार के अधिनियम द्वारा इसे पारित किया गया। चलिए इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है, सदन दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका ऊपरी सदन, दूसरा होता है निचली सदन। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहते हैं, वहीं निचली सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी जोड़ी, यहाँ पे आपके पास संस्था और उसके संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित सही है वो है आपका कि भारत का निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो आपका अनुच्छेद 324 के अनुसार किया गया था, ये कथन सही है। बाकी के तीनों का तीनों कथन जो है आपका गलत है। अब देखिए इसमें आप जान लीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहला तो आपके पास दिया हुआ है सही आंसर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचित आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि आपका अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्याय का गठन किया गया, ठीक है। कब किया गया सर्वोच्च न्याय का गठन? तो वह है आपका अनुच्छेद 124 में किया गया। वहीं अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग, यहाँ पे दिया हुआ है ना लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 318 में ना आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित की गई है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद ये भी गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो आपका अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान जो है वो पारित किए गए हैं, दैट मीन्स ये भी आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो जी हाँ, जिस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था
उस समय दिल्ली पर जिनका शासन था वो थे आपके तुगलक वंश। यहाँ पे तुगलक वंश का शासन था। अगर हम लोग बात करते हैं कि तुगलक वंश का कब तक यहाँ पे शासन रहा, तो ये करीबन आपका 1320 से लेकर के आपका 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर इनका शासन रहा था, किनका? तुगलक वंश का। वहीं अगर हम लोग तैमूर का आक्रमण की बात करते हैं, तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो है वो आपका 1398 ईस्वी में किया था। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाले जो है वो है आपके अटॉर्नी कर्नल। कौन होते हैं? अटॉर्नी कर्नल होते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना अटॉर्नी कर्नल को, तो अटॉर्नी कर्नल को महान्यायवादी कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसादर्पण अपना पद जो है वो ग्रहण करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श भी जो है वो आपका महान्यायवादी जो है वो देते हैं, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि कानून भी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सारा चीज़ जो है वो आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी कर्नल के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित थी। तो जी नहीं, ये आपका 1993 से प्रभावित नहीं थी। अगर हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का ना, तो ये आपका 1992 द्वारा पंचायती राज्य के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और वहीं इस अधिनियम का प्रभाव जो है वो आपका 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? 24 अप्रैल 1993 से। 1993 तो है, लेकिन कब का है? 24 अप्रैल का है। वहीं इसका संशोधन कब किया गया? तो वह है आपका 1992 में। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो देखिए, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाने वाले जो होते हैं वो है आपके ऋणी। इसमें क्या होता है ना कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति या बोल सकते हो मूल जो है वो पहले से अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसके वजह से जो ऋणी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको लाभ होता है, और जो ऋणदाता होते हैं ना लाभ में हानि होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास संस्था और उसकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ही ऑप्शन देखते हैं जो है आपका SBI। यहाँ पे दिया हुआ है कि SBI का स्थापना जो है वो आपका 1949 को हुआ था, लेकिन ये कथन गलत है। आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना जो है वो आपका 1 जुलाई 1995 को हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है। तो देखिए, आपका भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है ना वो आपका आयात निर्यात के संदर्भ में किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, किन्हें दिया जाता है? तो जी हाँ, इको मार्क जो है वो भारत के उन उत्पादों को दिया जाता है जो बेसिकली पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई पंचायती योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, गलत आंसर है वो आपका है कि 11वें पंचवर्षीय योजना का उप शीर्षक तीव्र धारणीय और अधिक समावेशन विकास था। जी नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि तीव्र धारणीय और अधिक समावेशन विकास प्राप्त करना जो है वो आपका 12वें पंचवर्षीय योजना के उप शीर्षक था। ठीक है, ना कि 11वां पंचवर्षीय योजना का अर्थ था। पर डी आंसर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी को देख रहे होंगे, तो डी में क्या है कि भारत राज्य की संख्या कितनी है। तो जी हाँ, भारत राज्य की संख्या जो है वो आपकी 28 है। यहाँ पे हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 29 नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर की चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची 1 में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको सूची 2 में मैच करना है और इसका सही कूट बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन का ना, तो उष्णकटिबंधीय वन का आपका हो जाएगा
साइलेंट वैली, वहीं शंकु वृक्ष जो है, शंकु वृक्ष का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और कच्छ वृक्ष जो है वो आपका हो जाएगा सुंदरवन में, और पतझड़ वन का हो जाएगा आपका राजस्थान। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो आपका ऊंचाई दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो इसे याद रखिए कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो आपका दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है, ना कि उत्तरी क्षेत्र में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे अनाईमुडी, जो कि आपका केरल में स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित नगरों में अकलनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वो आपका जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है यहाँ पे आपका अकलनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थित है, ठीक है। और इसी स्थल के बाद से इन नदियों को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ फसल दिए हुए हैं और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, खरीफ फसल के उदाहरण अगर आप लोग देखिए तो सबसे पहले आपका कपास होता है, मूंग होता है और धान होता है। गेहूं जो है वो आपका रबी फसल के अंदर आता है, ठीक है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक, दो और तीन। और कौन कौन से फसल आते हैं आपके खरीफ फसल के अंदर? तो वह है आपके धान आता है, ज्वार आता है। धान तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, जूट आता है, मूँगफली भी दिया हुआ है इसमें, मूँग भी आता है, तथा तम्बाकू आता है, उड़द आता है, कपास, रागी और आपका सोयाबीन, इस तरह के जितने भी फसल होते हैं ना वो आपके खरीफ फसल के अंदर आते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही से चुन करके इसमें टिक करना, बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी दिया हुआ, उसके राज्य दिए हुए हैं कि ये मिट्टी जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका जलोढ़ मृदा दिया हुआ है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। वहीं काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है वो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, लाल मिट्टी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय में जो है वो आपका मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि निम्न को सुमेलित कीजिए। आपके पास सूची एक और सूची दो दिया हुआ है, आपको इसको सही करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो जूल जो होता है ना वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, जूल किसका मात्रक होता है? तो वो है आपका कार्य या फिर ऊर्जा का। तो यहाँ पे कार्य दिया हुआ है, ऊर्जा नहीं दिया हुआ है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें एम्पियर वोल्ट और वाट का, तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर वोल्ट वाट और साथ साथ कैलोरी का भी जो मात्रक होता है वो आपका धारा होता है, एक का सामर्थ्य होता है, एक का विभवांतर होता है और ऊष्मा के मात्रक होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसका तो जूल हो गया आपका, दूसरा का आपका एम्पियर का धारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप मिला के देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका टैली करता है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का आपके पास सी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। सेकंड का आपके पास ए दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी सी और डी की में देखते हैं तो इसमें आपका कोई भी जो है ये मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर आपको एक से दो मात्रक भी याद होंगे ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाइएगा। जरूरी नहीं कि आपको सब का सब आंसर जो है आपका सही होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में यही फायदा होता है कि आपको अगर दो मात्रक भी पता है ना, दो से तीन मात्रक भी पता है, मैक्सिमम अगर आपको दो मात्रक पता है तो आप आगे पीछे करके उसको ऐड करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि बताइए क्या कारण हो सकता है? तो जी हाँ, इसलिए इसमें देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी जो है वो चल पड़ने के बाद जो है उसमें घर्षण होता है ना, और घर्षण होने के कारण इसे आपको चलायमान रखना पड़ता है, और यही वजह होता है कि इसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अधिक बल जो है इसमें लगाना पड़ता है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, बताइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अगर इसमें आप देखेंगे ना तो बेसिकली लोहे का गोला जो है वो पारद पर तैरता है, ठीक है, जबकि पानी में डूब जाता है। देखिए इसके पीछे का कारण यही होता है कि पानी का जो अपेक्षाकृत घनत्व होता है ना वो लोहे से कम होता है और पारद से अपेक्षाकृत घनत्व जो है वो लोहे के अपेक्षाकृत घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत हैं। तो DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत क्या है, तो देखिए DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत जो है वो आपका मानव रहित वाहन है। क्या है, मानव रहित वाहन है। देखिए आपका ये जो आपका DRDO है ना, DRDO की एक शाखा है आपका एरोनॉटिकल डिजाइन स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्यों होता है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा जो है वो दी जाती है, इसीलिए भाप से आपका जो है ना अगर कहीं भी त्वचा में भी लगता है तो पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा जलता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर देखिए इसमें अगर कुछ चीज़ आप देखेंगे ना तो इसमें आपको याद रखना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्राम तापमान के जल के अपेक्षा जो है वो 100 डिग्री के 1 ग्राम के वाष्प में लगभग 540 कैलोरी ऊष्मा जो है वो अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर आप ध्वनि की चाल देखें ना तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि ठोस में ध्वनि की गति जो होती है ना वो सर्वाधिक होती है, वहीं गैस में न्यूनतम होती है, इसे आप याद रखिएगा। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, जिस माध्यम में घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पे किस में होगा, आपका आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना, सबसे पहले आपका नाइट्रोजन होगा, उसके बाद में आपका जल होगा, फिर आपके पास में थर्ड में इस्पात होगा, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले नाइट्रोजन फिर आपका जल उसके बाद में इस्पात। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन आपके पास है कि आपके पास ठोस जल उपर्युक्त नहीं होता है, किस किस में उपर्युक्त नहीं होता है, आपको इसमें सही उत्तर जो है वो देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो साबुन से कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए, फसल की सिंचाई करने के लिए और बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए, इसमें से किसी भी चीज़ के लिए आपका कठोर जल का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता। डेट मीन्स इसका उपर्युक्त कथन में सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, 4, ये सारा कथन आपका गलत है। अगर वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है और उससे रिलेटेड राज्य दिया हुआ है, आपको कूट को भरना है। तो देखिए इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। पहला दिमाग आपको क्या लगाना है कि इसमें आप देखिए आपके पास जो दिया हुआ है उसमें क्या है, पहले आपके पास कल्पक्कम है, कल्पक्कम का राज्य जो है वो आपका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ऑप्शन में आप टिक करते जाइएगा, 1 और 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1 में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे नरोरा, नरोरा जो है वो आपका किस राज्य में है, तो वो आपका है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए आप यहाँ पे मैच कर रहा है तो यहाँ पे भी मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए और 2 दोनों से काम नहीं बनने वाला है। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, काकरा पार दिया हुआ है। काकरा पार जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका गुजरात में स्थित है। अब देखिए अब आपका मैच क्या है, तो जी हाँ अब यहाँ पे क्या किसे मैच कर रहा है, ये आपका बी नंबर में मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कभी कभी आपका इस तरह से भी क्वेश्चन दिया रहे कि 1 और 2 में सेम सेम आंसर रहेगा, आपको इसको थर्ड से कंपेरिजन करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आपको उसके जगह पे अगर आपको ये याद रहता ना कि ट्रांबे जो है वो किस राज्य में है, देखिए ट्रांबे जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, तो अगर आपको ये पता रहता ना तो आप बस एक ही ऑप्शन से आप इसमें टिक कर सकते हैं। देखिए डी का 4 आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभी दिमाग आपको ये भी लगाना है कि आपको देखना है कि अगर हमको फर्स्ट का आंसर नहीं पता है तो अगर लास्ट का आंसर पता है उसके अनुसार हम लोग कूट में क्या इसे भर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप देख के आंसर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका सामान्य विज्ञान में ज़्यादातर आता है, हमेशा के एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन में आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए।
यहाँ पे आपके पास विशिष्टता दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपके पास सूक्ष्म द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है, तो वो है आपका न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सेकेंड में आपके पास है कि आंशिक आवेश, आंशिक आवेग किस में होता है, तो वह है आपका क्वार्क में होता है, ठीक है। अब आप लास्ट देखिए, लास्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, पूर्णांक प्रचक्रण दिया हुआ है। अगर पूर्णांक प्रचक्रण का देखें तो यहाँ पे होता है आपका फोनॉन होता है। अगर यहाँ पे भी आप देखिएगा तो आपके पास सिर्फ ओनली फॉर वन आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे आपका डी का 4 दिया हुआ है। तो इससे भी आप इसको अंदाजा लगा के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, कि सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इसमें चयन करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है जर्मन सिल्वर दिया हुआ है। जर्मन सिल्वर किससे मैच करेगा, तो जर्मन सिल्वर जो है वो आपका सबसे पहले मैच करेगा निकेल से। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, निकेल होता है। वहीं आपका सोल्डर, सोल्डर जो है वो आपका मैच करेगा टीन से, और आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका मैच करेगा क्लोरीन से, ठीक है। अभी तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे इसका आंसर देना है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपका फर्स्ट का ए का आपका सेकंड दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। ए का क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। बी का क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। ए का टू किस में है, इसमें है, और बी का वन इसमें है। दैट मीन्स इसमें ओनली फॉर वन आंसर हो जाएगा, जो है आपका आंसर बी, ठीक है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है अब किससे मैच कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर 4 से मैच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके पास ये युग्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो सही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फुलरीन। फुलरीन जो होता है ना, वो आपका कार्बन का एक अरूप होता है, इसे याद रखिएगा, जिसका सबसे साधारण रूप जो है वो आपका बकमिंस्टर फुलरीन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक दिया हुआ, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि यह एक रवेदार बहुरूप होता है ना, जैसे याद रखिए क्या होता है, एक रवेदार बहुरूप होता है, जिसके कारण इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको इसमें से पढ़ करके इसका आंसर देना है। आंसर क्या आपको देना है कि उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो अगर आप यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन देखिएगा ना, तो आपका प्राकृतिक रबर जो है आपका क्लोरोप्रीन जो है वो नहीं होता है। आपका बाकी सब कुछ है, यहाँ पे आपके प्राकृतिक रबर जो होता है ना, वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन का नहीं बल्कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक दो और तीन, तीनों सही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे चूहे मारने का जहर जो है ना, वो आपका जिस रसायन से बनता है, उस रसायन का नाम है आपका पोटेशियम साइनाइड। क्या है? पोटेशियम साइनाइड है। इसका एक और नाम होता है जिसे जिंक फास्फाइड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, या तो पोटेशियम साइनाइड होगा या तो फिर आपके पास जिंक फास्फाइड होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार आपका एक जो है वो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका सब्जी की खेती। सब्जी की खेती जो है वो आपका हार्टिकल्वर नहीं कहलाता है। खेती, सब्जी की खेती को ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। दैट मीन्स का सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो जी हाँ, हाइड्रोफाइट जो है ना, वो आपका एक जड़ रहित पौधा होता है। क्या होता है? जड़ रहित पौधा होता है। वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, इसको बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो जी हाँ, इसको बनाने वाला एंजाइम जो है वो है आपका इमाइलेज। क्या है? इमाइलेज है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक है वे हैं, वे कौन कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार इसका आपको आंसर देना है। तो पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, और आपका कैल्शियम होता है, साथ ही साथ सल्फर और क्लोरीन भी होता है। इसमें सल्फर और क्लोरीन तो नहीं है, लेकिन सोडियम और कैल्शियम है। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, एंटीबायोटिक दवा का एक उदाहरण कौन सा है? तो जी हाँ, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण जो है आपका पेनिसिलिन होता है। क्या होता है? पेनिसिलिन होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची एक में आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां दिया हुआ है और सूची दो में आपका स्रावित ग्रंथियां दिया हुआ है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास जनन ग्रंथि दिया हुआ है। देखिएगा जनन ग्रंथि जो है आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, वहीं आपका पीयूष ग्रंथि का जो है वो आपका वृद्धि हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। देखिए तो दो आंसर को बना करके आप इसका सही बना सकते हैं इसको। तो देखिए आपके पास ए का क्या दिया हुआ है, ए का 2 दिया हुआ है और बी का 3 दिया हुआ है। ए का 2 इसमें है और बी का 3 इसमें है। देखिए इसमें आपका काम नहीं चलेगा ना, आपको नेक्स्ट देखना होगा। तो अग्नाशय यहाँ पे दिया हुआ है, अग्नाशय के क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय का इंसुलिन इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है। दैट मीन्स का सी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी कभी कभी आंसर आते हैं ना कि आपका मैच करेगा ही नहीं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कम से कम 2 से 3 नाम को याद रखना है। अगर आप इसमें लास्ट नाम को याद रखना है तभी आप कंफ्यूज आते, क्योंकि लास्ट में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास अधिवृक्क दिया हुआ है जो आपका क्या हो जाएगा, कार्टिसोल हो जाएगा। लेकिन इसे भी काम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डी का 4 जो है आपके पास दोनों में दिया हुआ है ना, और यहाँ पे सी का 1-1 इसमें दोनों में दिया हुआ है। दैट मीन्स इसमें अगर आपको सबका याद नहीं रहेगा और कम से कम 3 का याद नहीं रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को ना आपका समझिए कि इसमें आपका लक काम नहीं देता है, इसमें आपको क्वेश्चन को याद करना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है आपका कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, कुछ चीज़ दिया हुआ है, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ पंछी और फिर कुछ चीज़ का नाम दिया, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपको बताना है। पंछी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता वो कौन सा होता है? वो आपका होता है कोयल। क्या होता है? कोयल होता है। नेक्स्ट आपके पास है जीव जो कभी पूंछ त्याग देते हैं ना, जीव जो अपनी पूंछ त्याग देते हैं खुद से। देखिए ना कौन काटता है अपना पूंछ, तो जी यहाँ घर में रहने वाली छिपकली ना अपना पूंछ खुद से काट देती है। वही सबसे विशाल जीव कौन सा होता है? तो सबसे विशाल जीव जो है वो आपका हो जाएगा नीली व्हेल ना। सबसे विशाल जीव कौन होता है? नीली व्हेल होता है। लास्ट का आंसर तो आपको पता ही है। तो देखिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें मैच देखिए तो मैच कर रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे ए का क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ए का 3 आपका किसमें है? सिर्फ ओनली वन आपका ऑप्शन बी में। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए ये आपका लक हो जाएगा ना, अगर इस तरह से अगर आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ एक का आंसर याद है, तो आपका सब का सब आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। हाँ, डिपेंड ये भी करता है कि आपको फर्स्ट याद है कि लास्ट याद है, लेकिन हम मेरा मानना यही है कि अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर इसमें याद रहेगा ना, कम से कम 2 ऑप्शन भी याद रहेगा ना, तो आप आगे पीछे करके थोड़ा दिमाग लगा के बना ही लीजिएगा कि आपका आंसर सही हो ही जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं बताती, बल्कि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करती हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो आपके डॉक्टर NLM ट्यूरिंग ने किया है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं कि ये डॉक्टर NLM ट्यूरिंग है कौन। तो जी हाँ, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर NLM ट्यूरिंग जो है वो आपके क्लोसिस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के डिजाइन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। क्या करने में सक्षम हो, तो उसे बेसिकली हम लोग कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे। तो देखिए कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छे से कंप्यूटर को चला सकता है, उसे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशंस को ऑपरेट कर सकता है, तो वो क्या होगा, वो कंप्यूटर को चलाने में साक्षर होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं ना कि बेसिकली उसके पास जो नॉलेज है, उसको जैसे MS ऑफिस का नॉलेज हो गया, MS एक्सेल का नॉलेज हो गया, इन सब चीज़ों का उनके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ होता है, यानी कि कैट का अर्थ क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा किया गया ये शब्द है ना। तो देखिए बेसिकली इसका अर्थ जो होता है वो आपका होता है कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी, ठीक है, जिसे बेसिकली कंप्यूटर एनालाइज टोमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना इसका यूज़ क्या होता है, तो अगर हम लोग इसके यूज़ की बात करते हैं ना, तो ये हमारे मस्तिष्क के विभिन्न अक्षों से एक्स किरणों द्वारा छायाचित्र
लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करने में सक्षम होता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूपीएस का विस्तृत रूप होता है, यानी कि यूपीएस का विस्तृत रूप क्या होता है। तो जी हाँ, यूपीएस का विस्तृत रूप जो है वो आपका होता है अनइंटरप्रिटेड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि यूपीएस का विस्तृत रूप क्या होता है, तो वो है आपका अनइंटरप्रिटेड पावर सप्लाई। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना, तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। अगर कभी पूछा जाए कि यूपीएस कौन सा डिवाइस होता है, तो जी हाँ, ये आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटरों की आवश्यक विद्युत आपूर्ति को बनाए रखता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, है नहीं नहीं है। तो जी हाँ, आपका मॉनिटर जो है ना, वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल बी, केवल थ्री जो है वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होता। तथा कीबोर्ड यहाँ पे है, माउस है, ये आपका प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ को समझते हैं ना, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इनपुट डिवाइस जो होता है ना, वो कंप्यूटर में आंकड़ों को इंटर करने हेतु प्रयुक्त होता है, जबकि आउटपुट डिवाइस जो होता है ना, वो किसी भी एंटर डाटा को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट के बाद उसे निर्गत करने में सक्षम होता है, फिर निर्गत करने का काम करता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करना उपयोगी होता है, मतलब कब उपयोगी होता है। तो जी हाँ, आपको जब आप मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखना चाहते हैं, तो आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हैं ना। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट करने से पहले का चीज़ होता है कि अगर आप कोई स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट करने से पहले आप उसे देख लो कि आपका पेज जो है वो सही है, गलत है, क्या है उसमें लिखा हुआ चीज़ जो है वो कैसा है। इस चीज़ को देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि GIS किसका लघु रूप होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए आपका GIS जो होता है ना, वो आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो लघु रूप होता है ना। तो इसे याद रखिए, क्या होता है, ये भी नहीं होगा ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है। ठीक है, और ये आपका GIF जो होता है ना, वो आपका सॉफ्टवेयर का एकीकृत करके भौतिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र करता है, प्रबंध करता है, विश्लेषित और उसे प्रदर्शित करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका काम भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए बेसिक किसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्वियस सा चीज़ है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं, इसे याद देखिएगा, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, प्रोग्राम भी कहते हैं ना। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर हार्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पे RAG दिया हुआ है, बताइए तो RAG का रूप क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप जो है वो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। ठीक है, अगर बेसिकली अगर इसमें हम लोग कुछ देखते हैं तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कि इस प्रोसेस और संसाधनों के संदर्भ में सिस्टम की स्थिति क्या है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है, किसके माध्यम से दिया जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर इसके माध्यम से दिया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र कौन सा था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, आपका पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र जो है वो आपका था MS-DOS। क्या था, MS-DOS, जो आपका 1981 में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था, 1981 में तैयार किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फैक्ट है ना वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है ना, वो बेसिकली एक अंग्रेजी महिला गणितज्ञ थी जिनका नाम था आपका एडा लॉलेस। क्या नाम था उनका, नाम था एडा लॉलेस। कहा जाता है कि चार्ल्स बेबेज के प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों से उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई थी। ठीक है, उनके कंप्यूटर पर ये कुछ कार्य किए थे जिसके वजह से इनको जो है ये पॉपुलैरिटी मिला था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डॉक्यूमेंट में गणितज्ञ चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, तो आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में गणितज्ञ चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट देता है। कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है, इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा क्वेश्चन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इंटरनेट मूल रूप से था, इंटरनेट मूल रूप से क्या था। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो इंटरनेट जो है ना वो आपका एक दूसरे से जुड़ी हुई कंप्यूटर नेटवर्क की
वैश्विक प्रणाली होता है। तो इसे आपको याद रखना है कि इंटरनेट क्या होता है, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई कंप्यूटर नेटवर्क की एक विशेष प्रणाली होती है जिसमें आपका वैश्विक स्तर पर डिवाइसों को संयोजित करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है ताकि आप एक दूसरे से इसे आसानी से कनेक्ट कर सकें। और इसीलिए इसे बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की संज्ञा भी दी जाती है। किसे दी जाती है? इंटरनेट को। किसकी संज्ञा दी जाती है? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की संज्ञा दी जाती है। और बेसिकली अगर हम लोग इसका विकास का बात करते हैं तो इसका विकास जो है वो मूलतः अमेरिकी रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिसे आर्पा बोला जाता है, इनके द्वारा विकसित की गई नेटवर्क है जिसे आर्पानेट के रूप में जाना जाता है या फिर जिसे आर्पानेट के रूप में हुआ है बोल सकते हैं। किसका आविष्कार किसके रूप में हुआ है? आर्पानेट के रूप में हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनेट का मूल रूप जो था वो आपका लघु प्रयोगी अनुसंधान नेटवर्क जिसे आर्पानेट कहते हैं वो था। ठीक है, आर्पानेट किससे बना है? आर्पा से बना है। आर्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ठीक है, वहीं आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है ना वो आपका बग जो है ना जिसे सॉफ्टवेयर बग बोला जाता है, तो सॉफ्टवेयर बग जो है ना वो आपका कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां जो है वो प्रदर्शित करता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो आपके वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो है ना वो आपके टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, ठीक है, इसे याद रखिएगा कौन है? टिम बर्नर्स-ली है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? ठीक है, आपको URL का विस्तार रूप बताया। तो देखिए URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली कंप्यूटर शब्दावली में URL यानी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटर, और बेसिकली इसमें अगर हम लोग कुछ चीज़ जानते हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में URL का जो है ना वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का एक सबसेट होता है जो यह बताता है कि आइडेंटिफायर रिसोर्स एवं उसे पुनः प्राप्त करने का तरीका कहाँ उपलब्ध है। ठीक है, ये आपको बताता है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? बताइए इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो जी हाँ, इसका शॉर्टकट की जो होता है ना वो आपका होता है Ctrl+E होता है। क्या होता है? Ctrl+E होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो आपका बेसिकली वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए आपका जो मेनू यूज़ होता है ना वो है आपका एडिट मेनू ना। इसमें किसका यूज़ करते हैं? एडिट मेनू का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक डेटाबेस वेयरहाउस है। क्या है एक डेटाबेस वेयरहाउस? तो जी हाँ, आपका डेटाबेस वेयरहाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यह आपका डेटाबेस जो है डेटाबेस और एक डेटाबेस वेयरहाउस जो है ना वो आपका महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के आसपास संगठित रहता है। दैट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 से कंप्यूटर का ज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग में जरूर रखिएगा। हो सकता है कि इससे आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैच करे, मतलब मैच करे क्या, 100 में 99% चांस है कि जितना मैं आपको सेट बता रही हूँ ना 10 सेट पढ़ते पढ़ते तक आपको खुद समझ में आने लगे कि नहीं, अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रही या फिर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई और भी अदर कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जितना हो सके उतना इसे शेयर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।